ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबुडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, नुसाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हमें कांग्रेस भवन के यहाँ पर और हमारे साथ है NSUI के अध्यक्ष साजिद जी। इन्होंने कल एक मुद्दा उठाया था जिसमें नॉर्थर्न मिडल अंडमान के जितने भी लड़की बच्चे हैं उनको जो है हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता। और ये मुद्दा जो है काफ़ी सालों से जो है चला आ रहा है, लेकिन अब इसे जो है इसके बारे में हम साजिद जी से जानेंगे। और इन्होंने जो मुद्दा उठाया था तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मेरे सामने अब पेश करा है। जैसे कि पिछले 2 सालों से जो है जो नॉर्थ तमिल के जो नॉर्थ तमिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट के जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं और साउथर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उन लोगों को एक बहुत बड़ा समस्या का जो है सामना करना पड़ता है, जो कि JNRM गर्ल्स हॉस्टल में उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। आज उस विषय को लेकर हम लोगों ने कई दफ़ा प्रशासन के सामने अपनी बात को रखा है कि जल्द से जल्द जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द हॉस्टल दिया जाए। आज देखने को यह मिलता है कि पिछले 2 सालों से जो लड़की बच्चे लोग हैं वह लोग 8,000, 9,000, 7,000 रुपये में रेंट में जाके बाहर रहते हैं। देखने को यह मिलता है कि बेसिकली अंडमान के आइलैंड में जो नॉर्थ तमिल अंडमान से आते हैं, साउथर्न ग्रुप से आते हैं, वह लोग गरीब के बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं, लेबर के बच्चे होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं, जिसका फैमिली ये चीज़ एफर्ट नहीं कर पाता है कि जाके बाहर रेंट रूम में जाकर 8,000, 9,000, 10,000, 7,000 रेंट देने का। तो कई दफ़ा इस मुद्दे को मैंने प्रशासन के सामने उठाया, कॉलेज के प्रिंसिपल सामने उठाया, तो प्रशासन से और कॉलेज मैनेजमेंट से मुझे सिर्फ और सिर्फ यही एश्योरेंस मिलता है कि हो जाएगा कर। फिर एक बात फिर बीच में है कि गंगा ब्लॉक जो है बहुत बुरा हाल में, टूटने की हालत में है। मेरा एक बात सवाल प्रशासन से करना चाहता हूँ, जब NIMS का बच्चा को आप हॉस्टल दे सकते हो, आप पॉलिटेक्निक के बच्चा को, DBED के बच्चे को आप हॉस्टल दे सकते हो, आप ITI के बच्चे को हॉस्टल दे सकते हो, आप टैगोर कॉलेज के बच्चे को हॉस्टल दे सकते हो, लेकिन क्यों नहीं JNRM के बच्चों को भी हॉस्टल सही तरीके से दिया जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्यों इस तरीके से भेदभाव आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन एक इंजीनियरिंग और एक डॉक्टर MBBS और एक ग्रेजुएशन के बच्चे के साथ में चीज़ कर रहा है। आज आप बताइए ना, आज ऐसी पोर्ट ब्लेयर का हालत पहले की तरह नहीं है। आज लड़की बच्चा लोग आज पोर्ट ब्लेयर में बहुत सेफ नहीं है, बी फ्रेंकली मैं आपको कहूँगा बच्चे लोग सेफ नहीं है। उसके बावजूद भी आज बच्चे को बाहर रहने में मजबूर आज ये प्रशासन कर रहा है। अगर ये लड़की बच्चा लोग बाहर रहता है, इनका माँ बाप पोर्ट ब्लेयर में कोई नहीं है, ये इनका माँ बाप जो है नॉर्थ मिडिल अंडमान से साउथर्न ग्रुप से, ये लोग बहुत भरोसे के साथ पोर्ट ब्लेयर भेजते हैं कि हाँ मेरा बच्चा पोर्ट ब्लेयर जाके में पढ़ाई करेगा, JNRM कॉलेज में पढ़ाई करेगा, हॉस्टल कैंपस में रहेगा, अच्छा इसको इन्वायरमेंट मिलेगा, बच्चे को कुछ परेशानी नहीं होगा। लेकिन बाद में जब बच्चों को कॉलेज में एडमिशन हो जाता है उसके बाद में बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिलता है। अगर जो लड़की बच्चे लोग जो बाहर जाकर रहते हैं, अगर इन फ्यूचर उनके साथ में कुछ घटना घट गया, उस टाइम प्रशासन भी हाथ हटा लेगा ना कॉलेज मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी लेगा। हमें मालूम है कि कुछ घटना घटने के बाद में कोई अपना कंधा में लेगा नहीं, अपने ऊपर लेगा नहीं कि हाँ मेरा गलती से हुआ, मेरा वजह से हुआ है। कुछ घटना घटने से पहले मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जितने भी नॉर्थ तमिल अंडमान के गरीब के बच्चे आते हैं, लड़की बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, किसान मजदूर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, साउथर्न ग्रुप से जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उन सभी लड़की बच्चे लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस देकर उनको हॉस्टल दिया जाए। अगर आपकी कॉलेज के पास इतनी क्षमता नहीं है, अगर कॉलेज के पास इतनी क्षमता नहीं है कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर सारे बच्चों को एकोमोडेट करे, तो बहुत सारा सरकारी बिल्डिंग प्रशासन के पास खाली पड़ा है, बहुत सारा सरकारी कॉलेज
सरकारी क्वार्टर खाली पड़ा है, कि कुछ भी करे ये हमें, ये आपका सब्जेक्ट है। जब बच्चे, जब नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान से बच्चे एडमिशन ले लिया है तो ये आपका जिम्मेदारी है कि बच्चों को कहीं पे भी रखना है, सेफ जोन में रखना है, ये आपका जिम्मेदारी है। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि जल्द से जल्द जितने भी लड़की बच्चे लोग नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान से आते हैं, साउथर्न ग्रुप से आते हैं, उन सभी लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड करें और सही समय पर बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाए। मैं आपको ये बात मुद्दे इसलिए मैं उठाना चाहता हूँ कि आज से 20 दिन पहले, आज 22 डेज हो चुका है, मैंने कॉलेज के ऊपर एक 1500 आरटीआई पूछा है, जिसमें कि मैंने ये पूछा है कि सन 2018 से लेकर 2023 तक आपने कितने बच्चों को स्टाइपेंड दिया है। मैंने 2018 मेंशन इसलिए मैंने किया था कि उस टाइम जो प्रिंसिपल फ्रांसिस जेवियर साहब था, उस टाइम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमने करवाया था, उस प्रोटेस्ट के बाद में 1,23,00,000 रुपया एक साल के बच्चों को स्टाइपेंड गिरा है, लेकिन उसके बाद से बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिलता है। आज एक गरीब के बच्चे, उनका पूरा का पूरा भरोसा स्टाइपेंड के ऊपर बनता है। अगर सही तरीके समय पर बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो चीज़ बच्चों को एक बहुत बड़ा सपोर्टिव बनेगा पोर्टबर में सर्वाइव करने के लिए। आप बताइए ना कि बच्चों को 2 साल से 2.5 साल से 1.5 साल से स्टाइपेंड नहीं मिला है, एक बच्चे को महीना में 1,500 रुपये मिलना है, अब बच्चों को अगर 15 महीना 20 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चा 20,000-25,000 रुपये प्रशासन बस फंसा हुआ है। तो इस तरह का बहुत सारे इशू कॉलेज के अंदर में, एक इशू आपको इशू में बताना चाहूँगा तो इशू ख़त्म नहीं होगा। और सब उसके बाद में मैं भी और एक छुट्टी बना रहा हूँ, मेरा तीसरा छुट्टी रहेगा। मेरे स्टाफ को मैंने कहा है कि जल्द से जल्द छुट्टी तैयार करो। आज हम लोगों ने कॉलेज में क्या देखता है कि बच्चों को बैठने के लिए बेंच और डेस्क नहीं है। आज बच्चे मजबूर है कि आप चेयर में बैठ के, वो लोग चेयर में बैठ के ऐसा हाथ में पकड़ नोट्स लिखता है, ये हालत में है। आज किस दिशा में आज शिक्षा के स्तर, प्रशासन और ये सरकार लेके जा रहा है, यह बहुत ही बड़ा सवाल आज सरकार के सामने, प्रशासन के सामने बनता है कि आप कौन सा दिशा में बच्चे को ज़िंदगी को लेके जा रहे हैं। जो कॉलेज में एक समय, अभी मैं कहूँगा तो आप लोग बोले राजनीति वाला मैं बात करता हूँ, लेकिन समय कांग्रेस का समय था, उस वक्त जो सही तरीके से बच्चों को पहनने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए हर तरीके की सुविधा दिया जाता था, उस समय हमारे समय में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको कॉलेज में बेंच और डेस्क की शॉर्टेज हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन ये चीज़ क्यों लास्ट 5 साल 6 साल से कॉलेज के अंदर में आ रहा है? आज बच्चे लोग, आज कॉलेज के अंदर में स्ट्रे डॉग्स घूमता है। आज कॉलेज के बाद जब प्रिंसिपल से हम सवाल करते हैं तो प्रिंसिपल साहब का ये कहना है कि मेरे पास मैन पावर नहीं है। अरे मैन पावर नहीं है तो प्रशासन क्या कर रहा है? जब कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा है कि मैं आए दिन छुट्टी दे रहा हूँ, आए दिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रशासन से कि मुझे जल्द से जल्द मैन पावर दिया जाए, मुझे DRM अपॉइंट करने का पावर दिया जाए, मुझे मस्टरों अपॉइंट करने ताकत दिया जाए, मस्टरों को अपॉइंट किया जाए, ये लोग क्यों नहीं कर रहा है? आज कॉलेज का बाथरूम का हालत ख़राब पड़ा है, आज ड्रिंकिंग वाटर कॉलेज के अंदर में नहीं है, आज बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है, आज फैकल्टी की बहुत कमी है। अगर मैं इशू बताना चाहूँगा तो 2 से 3 घंटा आपका मेरा इंटरव्यू हो जाऊँगा, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू आज ये है कि जितने भी लड़की बच्चे लोग, चाहे वो बाराडंग से आता हो, रंगस से आता हो, करमतला से आता हो, बकुमतला से आता हो, माया बंदर से आता हो, डिगलीपुर से आता हो, कालीघाट से आता हो, चाहे कैम्बल बे से आता हो, कचाल, कमोटा, हटबे, जो आइलैंड से बच्चे, आज गलत लड़की बच्चे लोग आज कॉलेज में एडमिशन लिया है, उन सभी लड़की बच्चे लोगों को हॉस्टल जल्द से जल्द बंदोबस्त करवाना आज प्रशासन का और एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी बनता है कि सारे बच्चों को हॉस्टल प्रोवाइड करना है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।